मैंने कहा वीडियो शुरू करने से पहले ना आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 32 mm की जो फिटिंग होती है ना, ठीक है, यानी एंची की, अगर जी आई में आए तो पहले लोग ये करवाते थे, मतलब वॉशरूम में जो फिटिंग होती है, ठीक है। तो मेन लाइनें तो खैर एंची की होनी चाहिए या 32 mm की होनी चाहिए जो मेन लाइन होती है। लेकिन मेरा बात करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है, ठीक है। 32 mm की फिटिंग करना ये थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ठीक है। और आपको थोड़ी चाल का पता होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब कि ये चीज़ यहाँ पे सूट करती है, ये चीज़ इधर सूट करती है, ये यहाँ पे, थोड़ा इन चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने ये काम किया है ना, ठीक है, जिसमें मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, ये यहाँ पे कोई कमोड नहीं है, ठीक है, कोई कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं लगी। उस बंदे ने हमें इतना कहा है कि हमें सिर्फ आप फिटिंग कर दें, आप पाइपलाइन डाल दें ऊपर वाली, ठीक है, नीचे वाली सेवरेज जो है ना वो बाद में हम कर लेंगे, हमें फिलहाल नहीं चाहिए। तो बाज़ बंदे कहते हैं कि यार ये तो पॉइंट नीचे है नहीं, तो किस तरह से करें। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, वीडियो में मैं सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ रह जाए तो आपने बता देना है मुझे कि ठीक है यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने नहीं बताया, ठीक है। लोटा टूटी का पॉइंट और फ्लैश टैंकी का पॉइंट, शावर की मेजरिंगमेंट फर्श से ले के कितनी हाइट उसकी होती है, जो शावर के पॉइंट होते हैं उनमें कितना वक्फा होता है, ठीक है, उनकी लेंथ कितनी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं, ठीक है, और इनके दरमियान कितना फासला होता है, ये वो। तो 32 mm की फिटिंग आपको थोड़ी काम की चाल आनी चाहिए प्यारे भाई, मतलब ये है, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आप ऊपर वाली स्टोरी पे काम कर रहे होते हैं ना, नीचे तो कुछ नहीं होता, चलो खुदाई करके हमने सेवरेज जो है ना वो कहीं ना कहीं से नीचे ऊपर करके ले आए, लेकिन जो ऊपर वाली स्टोरी होती है ना वो पाइप फर्श पे ही आती है, ठीक है, आपकी सेवरेज जो है वो फर्श में आती है, आप लेंटर में नहीं ला सकते, ठीक है। तो उसके लिए कोशिश करें कि आप जो फिटिंग कर रहे हैं ना वॉशरूम की ऊपर वाली, वो दीवारों में करें। अगर दीवारों में नहीं होती तो उसकी इस तरह से चाल बनाएं या मालकान से पूछ लें कि भाई ये इसकी हाइट फर्श, मतलब आपका फर्श कितना ऊंचा होगा, ठीक है, उस हिसाब से पूछ लें, और उसके बाद अपनी जो है ना मेजरिंगमेंट करें, अपनी पैमाइश करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पहले उनसे पूछ लेनी है कि भाई फर्श कहाँ पर आएगा, आपका कितना ऊपर आएगा। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लर्न प्लम्बिंग बाय AK और मैं हूँ अली इकबाल। अच्छा भाई, स्टार्ट में मैं आपको एक बात बता दूँ, ये यहाँ तक काम हमने नहीं किया, ठीक है, ये एल्बो जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इससे पीछे पीछे हमने काम नहीं किया, ठीक है। कोई बंदा काम छोड़ के बीच में चला गया या जो भी हुआ, ठीक है, अब तकरीबन 2 साल बाद ये काम स्टार्ट हुआ है प्यारे भैया। तो हमें जिस तरह कहा गया, जितना कहा गया हम उस तरह करते रहे, ठीक है। ये देख लें, ये टी है, मुझे नहीं पता ये क्या साइंस है, ठीक है, ये गलती आपने गलती से भी नहीं करनी, ठीक है। देखें ना, ये किचन है और किचन के दरमियान में आ रही है, देख रहे हैं, ये दीवार है और ये टी किचन के दरमियान में आ रही है, ये क्या साइंस है, मेरी समझ में नहीं आ रही। और बाय द वे ये गैस का पाइप है, ठीक है, ये गैस का पाइप है, और उसके अलावा ये किचन का पाइप है, ठीक है। सर मैं यहाँ पर थोड़ा शोर भी होगा क्योंकि मैं रोड पर हूँ जी। ये किचन का पाइप है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक आ गया। तो अब पता नहीं ये किचन को कितना ऊपर ले जाएंगे बस, लेकिन मैं आपको फ़िटिंग बताता हूँ, ठीक है। आपने फ़िटिंग जिस तरह करनी है ना, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ और सिखाता हूँ, ठीक है। वो देख रहे हैं गैस का पॉइंट, वो 1 फुट पे है, और ये मेन पाइपलाइन जो है ना ये ऊपर टैंकी की तरफ जा रही है, ठीक है, कंसीट है ये, और ये किचन है आपका, ठीक है। अच्छा, किचन और जो अपना शावर के पॉइंट होते हैं ना, ठीक है, तो इनका दरमियानी फासला जो है 6.5 या 6 इंच होता है, ठीक है, इस जगह से ले कर इस जगह तक 6 इंच, ठीक है। और फर्श से ले के इसकी जो हाइट है वो अल्लाह भला करे आपका 38 या 39 इंच तक आपने रखना है, ठीक है। यहाँ से 3 पाइपलाइनें जा रही हैं, देख रहे हैं आप, इनका बाद काफ़ी ऊपर होगा, और वैसे भी यहाँ पे क्रॉस बैंड बनता ही नहीं है और डालना चाहिए भी नहीं भैया भैया, क्योंकि अगर तो दीवारों में पाइप आएँ तो वो ठीक है, लेकिन ये जो पाइप होते हैं ये थोड़े ख़तरनाक होते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस बैंड जो है ना वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये पाइप लाइन आपकी यहाँ जा रही है, 3 पाइप जा रहे हैं, ठीक है, गर्म, दरमियान वाला ठंडा, और ये साइड वाला गैस वाला, ठीक है। यहाँ से आते हुए ये आ गया आपका, ठीक है, ये ठंडा जा रहा है आपका, ये दरमियान वाला गर्म का, और ये गैस का, ठीक है, और सेम वही पैमाइश है। अच्छा, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, उस बंदे ने किस तरह काम किया, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, ये देखें कितना फासला है, तकरीबन मेरे पास एंची टेप नहीं है तो ये देख लें, तकरीबन ये 3 इंच बन जाता है। अब ये कितना बात ऊँचा करेंगे, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग करेंगे क्या आगे, ठीक है। तो उसने कहा कि आपने कोई काम नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, जिस बंदे का ये काम है ना, उसने कहा मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर वाली जो फिटिंग है ना मुझे वो कर दे, PVC का मैंने अभी नहीं करवाना, तो हमने वो कर दिया उसको, ठीक है। अब अल्लाह जाने ये उस बंदे ने, और ये देखें उसने जितने पाइप कंसीड किए हुए हैं, ये देखें, ये इतनी दीवार, ये काफ़ी सारा आगे पाइप, और नीचे से देखें,
यहाँ से देखें, ठीक है। तो हमारे भाई ये भी काम करते हैं, तो ये बेसन का सॉरी शावर का पॉइंट है, इसकी भी ठीक वही मेजरिंगमेंट है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। हाइट जो है ना वो 38 या 39 फर्श से लेके, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, ये इसकी ये जो दरमियानी फासला है वो 6 या 6.5 इंच, 6.5 इंच वैसे ठीक रहता है, लेकिन कम से कम 6 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 इंच, ठीक हो गया। ये बेसन का पॉइंट है, इनका दरमियानी फासला जो है ना कम से कम मिनिमम जो है ना 14 इंच, इन दोनों पॉइंट का जो दरमियानी फासला है 14 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 16 इंच, ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है ना लोटा टूटी की, ये अल्लाह भला करे आपका, आपने 1 फुट या 16 इंच पर रखना होता है लोटा टूटी, ठीक है, इसका पॉइंट। बाकी ये चीज़ें आपकी मैटर नहीं करती कि ये कहाँ पे आ रही हैं, बेसन का पॉइंट किधर जा रहा है या जिस तरह भी, मतलब आपने उनसे फर्श की जो है ना, फर्श उनका पूछ लेना कि भाई आपका फर्श कहाँ तक आ जाएगा, उसके हिसाब से जो है ना आपने अपने पॉइंट देने हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि यहाँ से आके पैमाइश कर दी, ठीक है। आपने फर्श का पहले उनसे पूछ लेना है कि भाई आपका फ़र्श कहाँ तक आएगा, उसके बाद आपने अगली कार्रवाई करनी है। और ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बैंड है, लेकिन मैंने नहीं लगाया, अगर वो पाइप कवर हो गया ना तो ये भी हो जाएगा। अब दिखने में लग रहा होगा कि यार ये किस तरह का काम हो रहा है, उधर UPVC पाइप है, हम वहाँ से पाइप लाइन ला नहीं सकते, और इधर दरवाज़ा है, ठीक है। तो और यहाँ पर इसकी सीट आएगी, ठीक है, इस जगह ये दरमियान में सीट आएगी, ये लोटा टूटी वाला नहीं, सॉरी लोटा टूटी वाले नहीं, ये तो बेसन का पॉइंट है, ये फ्लैश टैंकी का पॉइंट है कमोड का, और ये जो है ना अपना लोटा टूटी का पॉइंट है। ये वहाँ से लेके यहाँ तक 3 फुट या 38 इंच, 38 इंच रख लें तो थोड़ा 3 फुट 2 इंच हो जाता है, तो प्लस्तर वगैरह भी करते हैं, मार्बल लगाते हैं, तो वो कवरिंग हो जाती है थोड़ा, मतलब अपनी हाइट पर ये आ जाता जितनी होनी चाहिए, और वो दीवार से 4 इंच पीछे, जहाँ के आपका जो टी का आके ना वो टाइट हो सके, ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरे बात की तरफ जो इसके साथ है। तो जी ये हम आ गए, ठीक है, इधर अंधेरा है, इधर वीडियो नहीं बन सकती, मैंने लाइट वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन बस सेम वही चीज़ें हैं जो उधर मैंने आपको दिखाई हैं। ये सिंक का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ ये सिंक का पॉइंट है, ठीक है। इसकी हाइट भी सेम वही होती है जो शावर की और सिंक के पॉइंट की, एक ही हाइट जो है ना वो होती है। और ये गैस का पॉइंट है, ठीक है, ये भी 1 फुट है, और ये गर्म का पाइप है, ठीक है, गर्म का पाइप है। यहाँ से इसको लेके आएंगे हम इधर से, अच्छा जी ये लाइन आ गई, ठीक है, वो देख रहे हैं उधर आप, वहाँ पे गीज़र लगेगा, ठीक है, गीज़र से पानी इस तरह होके आएगा ऊपर। अब आप कहेंगे कि यार इतनी हाइट है पानी कैसे आएगा, तो भैया पानी आएगा, ये देखें ठंडी लाइन है ना, अभी ये छत है, जहाँ तक आपको वो एल्बो दिखाई दे रहा है ना वो छत तक है, और ममटी जो है ना जिसके ऊपर टैंकी है वो इससे भी 10 फुट ऊपर है, तो भैया पानी जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको दूसरे वॉशरूम का भी सर्वे करवाना था, लेकिन लाइट नहीं है, मैं क्या करूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, दूसरा भाई भी चला गया जो साथ काम करता है, उसके पास मोबाइल था, चलो लाइट ऑन करके हम देख लेते। तो अच्छा यहाँ तक हमने काम नहीं किया, ये साकेट देख रहे हैं आप, यहाँ पे PPR का पाइप लगा हुआ है, नीचे ग्रीन है ऊपर ब्लू है, तो ग्रीन तक जो है वो अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने जिसने काम किया, और वहाँ तक भी, ठीक है, हमने वो वहाँ पर पॉइंट दिया, गर्म से लिया, ठीक है। वो ऊपर यूनियन है, उसके नीचे साकेट है 32 बाय 1.25 की, और उसके नीचे टी है, टी के नीचे फीमेल लगा हुआ है, और टी के पीछे जो दीवार से पॉइंट लिया है हमने, उसमें हमने 1.25 का बैरल निप्पल लगाया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।